तो अंग्रेजी आती नहीं भैया, तो हिंदी तो समझते हो ना, समझ जाओगे। शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, स्वरूप ही आपका शांत है। देह ये बाहरी है, इंद्रियां ये अलग है, मन एक अलग वस्तु है। जो आपका स्वरूप है वो निर्विकार सच्चिदानंद में है। उसको भूल करके, शरीर को मैं मान करके, भोगों में सुख और शांति खोजने वाला कभी सुख और शांति को ना प्राप्त कर पाया है, ना प्राप्त कर रहा है और ना प्राप्त कर पाएगा। कोई भी एक उदाहरण हमें दीजिएगा, जो अपने अध्यात्म स्वरूप से विस्मृत होकर देहाभिमान में भोगों में विचर रहा है, वो चाहे देवराज इंद्र हो या चक्रवर्ती सम्राट हो या कोई भी हो, अशांति शब्द से जिसका परिचय हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं। जो श्रद्धावान पुरुष संत समागम करके, शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त किया, क्या सत है और क्या असत है। फिर जब उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अपनी इंद्रियों से विषयों का त्याग किया, त्यागाच्छान्त्यनन्तरम, विषय भोग नहीं, विषयों का त्याग किया, जे ही विषय का त्याग किया, जितेंद्री हुआ कि उसे वास्तविक अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब ये दूसरा ज्ञान है, उसको अपने स्वरूप का बोध हुआ, अखंड आनंद, न कोई शोक है, न कोई सोच है, न कोई चाह है, ये है आखिरी शांति। अब विचार की शांति, असली स्वरूप शांति का ये। अब आपका प्रश्न है कि मैं दुखद स्थिति में जब हूं तब मैं कैसे शांति प्राप्त करूं, तो वो दुखद स्थिति आई कहां से है? आप हमें इसका उत्तर दे सकते हैं? मर्जी किसी, जैसे किसी ने इनको दुख पहुंचाया हो और वो बार बार दुख पहुंचाई आ रहा है, फिर उस कंडीशन में मतलब अपने आप को शांति प्रदान करना चाह रहे हैं। अब क्या बताएं, जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं तो उत्तर देने में ये लगता है पता नहीं समझ पाए कि ना समझ पाए। बाहर से हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हमारी खेती है, हम जो बोते हैं वही हमें काटना होता है, पीछे हमने जो बोया वही हमें सामने को काटने को मिल रहा है। आप सब हमारे सामने बैठे हैं, आप मित्र हैं, आप शत्रु हैं, क्या हैं आप हमारे? आप विचार करके देखिए, आप हमारे प्रभु हैं हमारी भावना में, तो आप हमारे लिए प्रभु ही भाव से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आनंद है आपके दर्शन से, ऐसा लग रहा है क्या अपने प्रभु को दे दूं जिससे सुखी हो जाए, क्या बोल दूं जिससे सुखी हो जाए। अब हम बाहर निकले कोई गाली दे, अब हमारा क्या भाव होगा? होगा कहीं अहंकार होगा, अहंकार होगा मेरे मालिक इस रूप में आकर मेरे अहंकार। विचार के द्वारा तत्काल दुख का नाश किया जा सकता है, और इस सृष्टि में कोई दुख हमें दे नहीं सकता। दुख का कारण केवल अज्ञान है, केवल अविद्या है, वो आप पता अविद्या समझते हो। अब इसीलिए सकुच आ रहा कि कैसे समझाओ, मतलब अब चूंकि हमको संसारिक शब्दों संसारिक भावों का कैसे, अब आपने बिल्कुल अध्यात्म अछूता छोड़ा है, तो जहां प्रश्न कर रहे हो वहां केवल अध्यात्म ही है तो इसलिए पर विचार करो, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, तुम्हें भी दुख क्यों हो रहा है, तुम्हारी मानी हुई मान्यता ही तो है ना, तुम किसी से अपने अनुकूल चाहते हो इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। बिल्कुल सरल उतर के कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अनुकूल का मतलब समझते हैं तो राधे राधे समझ लियो तो फिर हमको अंग्रेजी पढ़ना आता नहीं इसलिए अब तुम्हें कैसे समझावे। अब राधा राधा तुम जपो हमारी बात मान के, तुम्हें कुछ नहीं समझना पड़ेगा, सब ठीक हो जाए। क्या राधा 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 बोलो, राधा राधा, ये दवाई हम दे रहे हैं आपको, पक्की बात मान लेना। अगर राधा राधा जपोगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, आप देख लेना यहाँ कुछ होने लगेगा। जहां जलन आएगी वहां एक ऐसी बर्फ जैसी सिल्ली प्रकट हो जाएगी और तुम्हें शांति प्रदान करने लगेगी, सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ सकता है यदि राधा राधा राधा। अगर आप राधा नाम को जपने लगो फिर आप देखना, कभी मिलना फिर हमें बताना कैसा लगता है, पर धोखेबाजी नहीं, जपना, आप इसको जप के देखो। अब कैसे हम आपको समझाएं जब उन शब्दों का ही ज्ञान नहीं है आपको अध्यात्म के, तुम कैसे उसे समझाएं? बस सबकी समझ यही है, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रजबान लली, यह समझ में आ गई ना तो सब समझ में आ गई। ब्रह्मा की भी जो ज्ञान वृत्ति वो तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए यदि प्रभु का आश्रय लेकर राधा 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 राधा, इसी से आनंद, सब शांति मिल जाएगी। मान लेना मेरी बात, पर बातें नहीं मानते कोई। अभी अगर सेव दे कह दे खा लेना तुम्हें शांति मिल जाएगी, बड़ी श्रद्धा से खा लेंगे। और अगर कह दे राधा राधा जब वो परम शांति मिल जाएगी, विश्वास नहीं होगा, क्या होगा? आजकल हम भौतिक में इतना विश्वास करने लगे कि अध्यात्म का महत्व ही भूल गए हैं, और भौतिक से कभी शांति किसी को नहीं मिलती, भौतिकता में किसी को शांति नहीं मिलती। जब कभी किसी को शांति की खोज हुई है तो अध्यात्म में ही आया है, जैसे आप ना जानते हुए भी आए हो अध्यात्म की इस शरण में शांति की चाह के लिए। शांति की जब खोज हुई है तो अध्यात्म में मिली है, और जब अशांति प्रकट होगी तो उसमें भौतिकता होगी, आप जांच करके देख लेना। इसलिए अगर राधा राधा रटोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी के शब्द हमें एक याद है, थैंक यू, क्योंकि आपने शांति के विषय में प्रश्न किया ना, तो इसलिए अच्छा लगा। अगर हमारे नवयुवक भाई थोड़ा शांति की तरफ चलने लगे तो जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बढ़िया, तभी शांति की खोज है। बस आप हिंदी के कुछ जैसे गीता वाटिका से आस्तिकता की आधारशिलाएं, सत्संग के बिखरे मोती, ऐसे
कुछ छोटी छोटी ग्रंथ है, उनको ले लो आप, पढ़ना सीखो तो अध्यात्म का परिचय मिलेगा ना, फिर आपको सत्संग करने में आनंद आने लगेगा। एक जरूर ले लेना, आस्तिकता की आधारशिलाएं, रचयिता पूज्य राधा बाबा, और सत्संग के बिखरे मोती, ये भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता वाटिका, ये दो ले लेना। याद आया क्या? दो किताब लेनी। कौन सी? अब आप जाओगे वहां, कहोगे दो किताब दे दीजिए तो कहेंगे कौन सी, वही दो दे दीजिए जो हम बता रहे हैं। आप लिख के इनको बता दीजिए।